भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमोह विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद मंडल के अध्यक्षों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया था। वहीं लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब एक बार फिर मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। मंडल अध्यक्षों की घोषणा किए जाने के बाद एक जुलूस निकाला गया, जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकाले जाने वाले जुलूस के बाद सभी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां पर बाबा साहब का माल्यार्पण प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यह जुलूस आगे बढ़ते हुए घंटाघर पहुंचा, जहां पूज्य महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद यह जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए भाजपा कार्यालय पहुँचा, जहाँ पर एक मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और सभी के द्वारा संबोधन दिया गया।
आज इस मान सम्मान की यात्रा के पश्चात हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी हो, चाहे हमारा भाई छोटा भाई लालचंद पटेल हो, चाहे हमारा छोटा भाई ब्रजेश सिंह पटेल हो, ब्रजेश सिंह हो, चाहे हमारे भाई कृष्णा राज जी हो, चाहे छोटा भाई देवकी नंदन पटेल हो, अपने अपने क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक संगठन का काम करने वाले साथी इस मंडल में हमारे दायित्वों पे आए हैं। साथियों मित्रों, बहुत सारे हमारे साथियों के नाम भी थे, वही हमारे एक से बढ़कर एक नाम थे। कितना जो समय लग गया उसका एक ही एकमात्र कारण था कि उसमें चुनाव करना एक बड़ा ही विपदा का काम था। सभी उन नामों में से चुनना एक बड़ा कठिन काम था। जो भी हमारे सामने नाम निकल के आए थे एक से बढ़ के एक नाम थे। सभी लोग जिन्होंने मंडल अध्यक्ष का स्वप्न देखा था या उस दायित्व का निर्वहन का सोचा था, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप चिंता न करें, आप भी मंडल अध्यक्ष हैं।